कि एक तो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नहीं पहुंच रहे, कांग्रेस के नेता जवाब दे देंगे, लेकिन पहले दो लड़के फेल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं शूटिंग चल रही है यूपी में, वो शूटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद दोनों एक दूसरे को फिर से कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। 2014 से पहले बहुत सारी जोड़ियां फेल हो चुकी हैं, इनकी जोड़ी भी तो 2014 से आके चली थी। उत्तर प्रदेश 2024 में जवाब दे देगा, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, एक ही नारा है, पीडीए जीतेगा, इंडिया आगे बढ़ेगा। नहीं, मेरा सवाल, मेरी बात सुनिए पहले आप, 80 हराओ कि राहुल अखिलेश, झूठों को बनाओ, 80 हराओ नौकरी पाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ, राहुल अखिलेश पहले भी तो साथ आए थे, क्या हुआ था विधानसभा चुनाव में? राहुल जी और अखिलेश जी ने जो गठबंधन किया है वो पीडीए और इंडिया को लेकर किया है। मुद्दे बदलते हैं, नेता आज एक साथ है, एक मंच पर है, बड़ी रैली हो रही है, 80 हराओ नौकरी पाओ। सुनील शर्मा जी ये कह रहे हैं 80 हराओ नौकरी पाओ, उधर बजरंग बली 400 पार कराएंगे, क्या कहेंगे? दो लड़के एक बार फिर से यूपी में है, दो लड़के फिर से फ्लाप होंगे, जो सो पहले हुआ था फ्लाप सो वो फिर होगा। दो लड़कों की जोड़ी फिर बिगड़ेगी, और फिर इनके समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया। ठीक है, अब संदीप तिवारी मुझे एक बात बताइए, आपके तो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नहीं पहुंचे अमरोहा में, वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, जबकि बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी प्रचार करने के लिए आए हैं यूपी में। मुझे ये बात बताइए आप, रैली जो है वो राहुल जी और अखिलेश जी की हो रही है के चौधरी जी की हो रही थी? मुझे तो इस विषय पे कोई जानकारी है नहीं। नहीं, नहीं, ये ऐसा है, ये जो मैं आपको बता दूं, जो ये गोदी मीडिया है, ऐसे महासचिव एक नहीं है प्रदेश में, माने सवाल पूछेंगे तो आप टैगिंग देना शुरू करेंगे, बिल्कुल, और वो भी वो पार्टी टैगिंग देगी। आपकी पॉलिटिकल हैसियत यूपी में इतनी रह गई है कि समाजवादी पार्टी ने नाकों चने चबा दिए, रगड़वा दिया। यूपी का इलेक्शन है कि देश का इलेक्शन है ये बताइए आप, ये बताइए एनडीए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो चारों तरफ इलेक्शन लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है आप बताइए। अरे भाई मेरी बात, अरे तिवारी साहब उसी प्रोपेगेंडा पे बात करते हैं आप, डिबेट करने नहीं आते हैं आप, दलाली कर रहे हैं, ये तरीका आपका गलत है। मैं फिरोजाबाद की भी बात कर रहा हूँ, देश की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, चलिए फिरोजाबाद की बात करिए, अब फिरोजाबाद की बात करिए। अरे रुकिए भाई, चाचा ने पिछली बार भतीजे, अरे रुकिए भाई रुकिए ना, चाचा ने पिछली बार भतीजे को हरवा दिया था, जाने कितने स्टेट ऐसे जाऊंगा एक भी एमएलए एमपी नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, चाचा ने पिछली बार भतीजे को हरवा दिया था, इस बार आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अक्षय यादव जीत जाएंगे? अगर चाचा ने भतीजे को हरा दिया था तो इस बार चाचा राज तिलक कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं जीत गए? अच्छा अच्छा, आप ये बताइए, मैं बीएसपी के नेता से एक चीज पूछूंगा फिर मैं जनता के बीच जाता हूँ, क्योंकि वो नाकार और निकृष्ट था, जनता पार्टी को अपना जीता हुआ प्रत्याशी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? जनता पार्टी क्योंकि वो नाकार और निकृष्ट था। अरे रुकिए भाई, जनता को बेवकूफ बना लेके दूसरा प्रत्याशी ले आए, पूछिए पूछिए, 5 साल पहले सांसद को ये लेके आए थे, आज वो कहां गया? क्या उसके सही सवाल, अरे बहुत सही सवाल, 5 काम बताइए आप। सुनील जी बताइए, आपने जादौन साहब का टिकट, जादौन आप ही के मतलब का सवाल पूछ रहा हूँ, जादौन साहब का टिकट काट दिया, बीएसपी में जो पहले लड़े थे उनको बुलाकर टिकट दे दिया, ये कह रहे हैं काम ही नहीं किया, टिकट क्यों काटना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबको समान अवसर मिलता है, ये किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, इसमें लोकतंत्र तो टिकट क्यों काटा ये पूछ रहे हैं, आगे भी मिलेगा। 5 काम बता दीजिए, ये 5 साल में 5 काम पूछ रहे हैं, बताइए इनको, और उनको और उनको चुनाव प्रचार में लाइए, फिरोजाबाद के अंदर दो सुनिए, फिरोजाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिए दो, एक दो दो अंडर पास भारतीय जनता पार्टी ने दिए, हाईवे दिया। अच्छा मैं जनता के बीच जाऊंगा, बबलू साहब एक बात बताइए कि ये न्यू कमर को आपने टिकट दे दिया, न्यू कमर को बशीर साहब को आप लोगों ने टिकट दिया है, वोट काटने के लिए दिया है, सपा को हराने के लिए दिया है, बीजेपी को जिताने के लिए दिया है, यूपीए की सरकार ने शांत की दी है। पहले अगर तुमने डिबेट में किसी को, आपकी आवाज जा रही है, जा रही है, आपकी आवाज जा रही है, जा रही है, उनको मेरा जो कहना है वो यही है कि हमने जो कैंडिडेट है वो बहुत ही स्ट्रांग उतारा है। दूसरी बात, भाजपा पर तो कैंडिडेट भी नहीं था, अगर किसी वृद्ध को इतने को उठाना ही था तो इससे पहले चंद्रसेन यादव जी थे, उनसे भी ज्यादा उम्र दराज को ले आइए, तो इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। दूसरी बात ये रही कि इनकी धरातल पर कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। अच्छा, मैं इस पर जवाब ही ले लेता हूँ। नीरज भाई एक बात बता दीजिए, बसपा ने आपका वोट काटने के लिए उम्मीदवार उतारा है कि बीजेपी को जिताने के लिए उम्मीदवार उतारा है? बीजेपी के जिताने का काम कर रही है बहन कुमारी मायावती और बी टीम है।
अच्छा दूसरी बात मैं पदेन सांसद चंद्रसेन जाधव जी के 5 काम पूछना चाहता हूँ, इन्हें उसका जवाब नहीं दिया। अगर उन्होंने अगर अच्छा काम किया तो रिपीट क्यों नहीं किया गया? आज की जनता के कितने लोगों ने कोरोना काल में उन्हें देखा, कितने लोगों ने कोरोना काल में। चलिए मैं चलता हूँ एक बार फिर से जनता के बीच में, चूंकि जनता की बातचीत आ गई है और जनता के बीच बातचीत आ गई है तो सबसे पहले रुक जाइए, रुकिए गौरव, जनता के लिए कुछ मुकाबला किस तरीके से, किसकी नियत, किसका ईमान, क्या चुनाव में बहुत चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, हार जीत का फैसला तो हो चुका है और वो करने वाला ऊपर बैठा है, तो इसी बात पे गंगा नहाले चाहे तिलक लगा ले, किस्मत का लिखा हुआ टले ना टाले, वो है खिलाड़ी तू है खिलौना, वो है खिलाड़ी तू है खिलौना, किस्मत का लिखा हुआ होनी का होना रे। बात किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये 4 तारीख को साफ हो जाएगा, लेकिन देखिए भीड़ यहाँ पर बहुत है। माता जी आप फिरोजाबाद की रहने वाली हैं। हाँ, आप मोदी जी जीतेंगे, राम ले आए हम भी ले आएंगे। राम आए हैं, वोट पड़ेगा, विकास मोदी जी ने किया है, योगी जी ने विकास किया है, विकास पर वोट पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं कि राम आए हैं इसलिए मोदी आएंगे। 30 का तेल 300 रुपए किलो, 30 रुपए की पेट्रोल 100 रुपए किलो, और 30 रुपए की पेट्रोल कब थी, किस साल में थी? हाँ पहले, अरे किस साल में थी? कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 30 लीटर पेट्रोल बहुत पहले हुआ। अरे योगी सरकार में बहन बेटियां, आज योगी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित है, रात को 12-1-2 बजे कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। और सुरक्षित है तो मैं आदर्श कांड क्यों हुआ, आदर्श में कांड क्यों हुआ, आदर्श में कांड हुआ, क्यों नहीं बोले अभी? बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसमें बीजेपी के लोग थे, उनके माँ पिता को। अच्छा ठीक है, आप हाथरस पर पूछते हैं, वो कह रहे हैं संदेश खाली पर आप नहीं बोलते हैं, बंगाल में जो होता है संदेश खाली में कौन बोलेगा? संदेश खाली में बीजेपी सत्ता में वो बोलेगा। कहाँ संत बीजेपी, वहाँ टीएमसी है सत्ता में, जिसका गठबंधन है इंडिया के केंद्र में, भाई कानून व्यवस्था राज्य। और अच्छे यादव के काम बताऊँ, कानून व्यवस्था राज्य के सौ सही हॉस्पिटल बनवाया अच्छे यादव ने, मैं जिस मोहल्ले में। छोड़िए भाई, छोड़िए केंद्र कमिश्नर हो जाता है, केंद्र कमिश्नर बहन बेटी हमारी को जिंदा जला दिया गया हाथरस की। ठीक है तो हाथरस पर बोलिए तो संदेश खाली पर अखिलेश क्यों चुप हो जाते हैं, ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। जी चुप नहीं रहते, अपनी विपक्ष का पूरी काम निभा रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप सबसे अच्छे यादव और अखिलेश यादव की पूछ रहे हैं, आप कभी लोग मीडिया वाले मोदी जी से कॉन्फ्रेंस कभी करते हैं, कभी डिबेट की है, कभी मोदी जी को आपने बुलाया है, उनसे जवाब नहीं।